आज आपके लिए ये हेरिकन मॉडल है टू फिफ्टी सी सी जोंक्शन इंजन के साथ उसका एक डिटेल रिव्यू लेकर आए हैं बाइक जौन सी है वो आप उसकी कलर स्कीम दे सकते हैं काफ़ी ख़ूबसूरत और काफ़ी अट्रैक्टिव बनाई गई है ब्लैक के साथ इसके क्रैश गार्ड जो लगे हुए हैं वो रेड कलर के काफ़ी खूबसूरत इसकी लुक है और ये चाइना का इट्स अपना मॉडल है जो कि किसी बाइक का रेप्लिका नहीं है एक एज अ टूरिंग बाइक और एक एज अ स्ट्रीट बाइक के ये यूज़ होता है और काफ़ी अच्छा मॉडल ये इस वक्त सेलिंग के अंदर जा रहा है अब हम इसके डिटेल रिव्यू की तरफ चलते हैं सबसे पहले आपको इसकी हेडलाइट की तरफ लेकर आते हैं इसके अंदर प्रोजेक्टर हेडलैंप्स और इसके अंदर डी लाइट्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं जो आपको ओपन करके दिखाई जा रही हैं जो कि काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी शो करती हैं और फिर इसके बाद अगर आपको इसकी तरफ लेकर आया जाए तो इसके फ्रंट टायर की तरफ तो वन वन टेन सेवेंटी बाई सेवेंटीन का इसका फ्रंट टायर है और इसके अंदर टायर के अंदर जो रिम इंस्टॉल किए गए हैं वो क्रोम प्लेटेड रिम्स हैं और इसकी अगर ऊपर की तरफ लेकर आया जाए तो इसके ऊपर ये फ्रंट डिस्क ब्रेक इसके अंदर इंस्टॉल की गई है और इसके असम्बली नाइन की तरफ आया जाए तो ये किलिंग स्विच इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है हाई बीम लो बीम है सेल स्टार्ट का इसका बटन इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है और ये यू एस बी पोट चार्जर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है और अगर लेफ़्ट साइड की तरफ आया जाए तो ये क्लच है और हाई बीम लो बीम की इसके अंदर ऑप्शन इसके अंदर की गई है एक क्रैश गार्ड इसके अंदर इंस्टॉल किए गए हैं जो काफ़ी ख़ूबसूरत इसकी ख़ूबसूरती के अंदर इसके, 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 इसके अट्रैक्शन काफ़ी इसकी ज़्यादा है और अगर इस इंजन की तरफ आते हैं तो जोंक्शन का इसके अंदर इंजन इंस्टॉल किया गया है जो टू फिफ्टी सिंगल सी है और ये काब्रेट बाइक है जो आपको इस हमने इसका कपड़ेटर नजर आ भी रहा है और सिक्स स्पीड रिटर्न शिफ्ट के साथ इसका गियर बॉक्स है और अगर बैक की तरफ आते हैं तो इसके अंदर एकरापविक का मफलर इंस्टॉल किया गया है बैक पे आए तो सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल बैक पे से सिंगल डिस्क ब्रेक इसके अंदर दी गई है और अगर हम इसकी आगे की तो फ्यूल टैंक की तरफ आएँ तो अठारह लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक इंस्टॉल किया गया है और ओवरऑल बाइक काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अट्रैक्टिव इसकी ओवरऑल काफ़ी इसकी लुक इसकी है और अगर इसकी हम सीट को देखें तो इसकी जो सीट है वो भी काफ़ी सॉफ़्ट और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की इसकी सीट्स इसके अंदर इंस्टॉल की गई हैं जो काफ़ी आपको अच्छा सिटिंग पोस्चर प्रोवाइड करती हैं और अगर इसकी बैक की तरफ़ तरफ आए तो बैक टायर इसका वन फिफ्टी बाय सेवेंटी बाय सेवनटीन का इसका बैक टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है दोनों साइड पे इसके क्रैश गार्ड भी इसके अंदर मौजूद हैं अब इसके मीटर की तरफ आते हैं तो इसके अंदर फुली डिजिटल डिस्प्ले वाला इसके अंदर वो इंस्टॉल किया गया मीटर इसके अंदर आपको आरपीएम, हाई स्पीड और गियर शिफ्ट और सारी चीज़ें इसके अंदर आपको इसकी बताई जाती हैं इसकी शौक़ की तरफ आ जाते हैं तो टेलीस्कोपिक इसके से हैं जो काफ़ी अच्छी हैं वो आपको एक राइड प्रोवाइड करते हैं और ओवरऑल अगर बाइक की लुक देखी जाए तो एक बड़ी खूबसूरत और बड़ी स्पोर्ट्स टाइप इसकी अपनी एक लुक है नेकेड स्टाइल के अंदर स्ट्रीट बाइक के अंदर और काफ़ी अच्छी इसकी जो सेलिंग भी इसकी काफ़ी अच्छी है और ओवरऑल बाइक जो है वो बहुत अच्छी जो सी है और अगर इसके हम मोनोशॉक की तरफ अगर आपको मोनोशॉक दिखाएं तो मोनोशॉक भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा इसके क्वालिटी का इसके अंदर मोनोशॉक इसके अंदर इंस्टॉल किया गया हुआ है और इसके ओवरऑल जो सी बाइक की क्वालिटी और फिनिशिंग क्वालिटी है वो बहुत अच्छी इस बाइक के अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल की गई हैं और अगर इसके गियर की तरफ आते हैं तो सिक्स पी रिटर्न शिफ्ट के साथ सिक्स गियर स्पीड के साथ इसका गियर इसका आता है अब आपको इसकी साउंड की तरफ लेके चलते हैं अब आपने इसका बताना है कि आपको इसकी साउंड कैसी लगी है ये आपने इसकी साउंड सुनी उसके बारे में बताएं आपको साउंड इसकी कैसी लगी है अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो उसको लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अब आखिर में बात करते हैं इस बाइक की प्राइस के बारे में जो टू फिफ़्टी है इसकी जो हम प्राइस डिमांड कर रहे हैं वो फाइव लैक है तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी अल्लाह हाफिज़